यस गाइस दोस्तों, आई थिंक सो आई एम हियर टुडे, आई एम हियर टू जस्ट डिस्कस विद द ड्राफ्टिंग पार्ट। मैं बहुत कम टाइम लूंगा, 20-25 मिनट, दैट्स इट। 20 मिनट में मैं आपको ड्राफ्टिंग का मतलब एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। ऑलरेडी शुभी मैम ने आपको समझाया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, समझना। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग। सी, रिजोल्यूशन क्या होता है पहले इसको समझिए, उसके मीनिंग को समझिए। रिजोल्यूशन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग भैया कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं, ये एक रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि देखो, मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है या जनरल मीटिंग होती है, उसमें रिजोल्यूशन पेपर हम सबको देते हैं, तो वो लिख के देते हैं कि यार ऐसे ऐसा हम करने वाले हैं, फिर वो अपना साइन मार के हमको वापस दे देते हैं, फेवर में है तो फेवर में, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में। तो रिजोल्यूशन पेपर, रिजोल्यूशन का मतलब यार ये क्या हुआ है, हमने यहां पे ये काम किया है, अप्रूवल ले रहे हैं हम लोग। रिजोल्यूशन मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझिए, जब भी ड्राफ्टिंग करेंगे, पहले तो जब भी आप रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे ना, आप आपके पेज को ऐसा एक बॉक्स बना लीजिएगा, उसको नीचे से क्लोज मत करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कितना बड़ा बनने वाला है। तो नीचे से क्लोज एंड में होने के बाद, मतलब रिजोल्यूशन लिख देंगे उसके बाद क्लोज करिएगा। जब भी आप रिजोल्यूशन लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे ना, ऊपर क्या काम करने वाले हो। जैसे क्वेश्चन है यहां पे, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन फॉर चार्जिंग पर्सन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसका, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कि भाई साहब कुछ भी गलत होगा तेरे को पकड़ा जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो यहां पे मिडल में क्या लिखोगे, रिजोल्यूशन, क्यों, क्या, किस चीज का रिजोल्यूशन है, तो चार्जिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, ये मिडल में आ जाएगा आपका, कि हम किस चीज का रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, वो आप हेडिंग दे दोगे ये बॉक्स के अंदर। फिर अब मीटिंग, कौन से टाइप की मीटिंग है, तो मीटिंग लिखोगे यहां पे, बोर्ड मीटिंग है, पूरा लिखना आप, बोर्ड मीटिंग। ठीक है, रिजोल्यूशन, अब बोर्ड मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन होता है, एक ही होता है, कौन सा, बोर्ड रिजोल्यूशन, पूरा लिखिएगा आप, बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, मेरा बॉक्स थोड़ा छोटा है इसलिए बाहर जा रहा है, आपको बाहर नहीं भेजना है, सब जो लिखना है बॉक्स के अंदर ही लिखना है, जो लिखना है ना बॉक्स के अंदर ही लिखना है बेटा, करेक्ट है। बोर्ड मीटिंग, यहां पे आप एक क्या लिख दोगे, डेट लिख दोगे। ये कॉमन है, ये हर रिजोल्यूशन में कॉमन आएगा, ऊपर क्या रिजोल्यूशन हम पास करें उसका नाम बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे कौन सी मीटिंग है, अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग, नीचे रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन तो बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल है तो स्पेशल, तो रिजोल्यूशन लिख दोगे। अब आप जब भी रिजोल्यूशन स्टार्ट करोगे ना, तो कैपिटल में लिखना है रिजॉल्व दैट, ये कैपिटल में आएगा, रिजॉल्व दैट ये कैपिटल में आएगा, याद रखना रिजॉल्व दैट ये कैपिटल में आएगा, इसको स्मॉल में नहीं लिखना है, रिजॉल्व दैट। अब हम यहां पे किसको अपॉइंट करें, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो रिजॉल्व दैट मतलब ये रिजोल्यूशन का पहला पार्ट है, इसमें हमको एक्चुअल में लिखना है क्या कर रहे हैं हम, मतलब ये रिजोल्यूशन पास करके क्या करने वाले हैं ना, वो यहां पे स्पेसिफाई करोगे। तो रिजॉल्व दैट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिस्टर अबड़ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, मिस्टर अबड़ कंपनी सेक्रेटरी इज हियर बाय ड्यूली चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा यार, कोई भी बंदे को अगर आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनाते हो तो उसका कंसेंट भी लेना पड़ता है, करेक्ट है। सो यहां पे लिखोगे मिस्टर अबड हैज ड्यूली गिवन हिज कंसेंट, ड्यूली गिवन हिज कंसेंट डेटेड, जो भी डेट आएगा डेट लिख लीजिए, जैसे 14 फरवरी 2022 है ना, 2021, मतलब ये हम क्या करने वाले लिख दिया। अब देखो ये हमने ओन लैंग्वेज में दिया, इन्होंने आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए परस्यून टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 हमको याद नहीं आ रहा है, हमने डायरेक्टली लिखा परस्यून टू सेक्शन कंपनीज एक्ट, परस्यून टू कंपनीज एक्ट। मिस्टर एक्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, अब यार ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है, सबसे पहले तो सीएस का ही गला दबाया जाता है, तो सीएस को अपॉइंट करते हैं, तो उसका नाम लिख दीजिएगा, हु हैज बीन गिवन हिज कंसेंट, देखो इन्होंने पहले बता दिया कि उसने अपना कंसेंट दिया है, एंड प्लेस बिफोर द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर इनिशियल बाय द चेयरमैन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बी एंड हिज हियर बाय चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है, हमने अपने ओन लैंग्वेज में लिखा है, आप इस तरीके से
इन्होंने इस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है। तो लैंग्वेज माइट भी डिफर, थोड़ी बहुत डिफर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा वही है। इन्होंने भी वही बोला है कि हम मिस्टर ए मिस्टर एक्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। ये पहला पार्ट है, हम क्या करने वाले हैं ना, जैसे यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होगा तो हम यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में लिखेंगे, यहां पे लेट से अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो हम अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में लिख देंगे। दूसरा हिस्सा मुझे बताओ, अपॉइंटमेंट के बारे में क्या होता है, बहुत सारी फाइलिंग प्रोसीजर करना पड़ता है, क्या करने वाले वो तो ठीक है, लेकिन ये काम कौन करने वाला है कंपनी के बिहाफ पे, कि भैया उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका हमने कंसेंट लिया है, ये सब काम कौन करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो रिजॉल्व फर्दर दैट, जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम किसको अथॉरिटी दे रहे हैं, तो रिजॉल्व फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज टू फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट अपॉइंट हुआ तो उसके बारे में आरओसी को बताना पड़ेगा ना, तो कौन बताएगा, यहां पे लेट से बता रहा है कौन, कंपनी सेक्रेटरी बता रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी को हमने अथॉरिटी दिया। तो रिजोल्यूशन में दो हिस्से इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर का तो सेम टू सेम आएगा, कोई भी रिजोल्यूशन आएगा सेम टू सेम, पहले क्या रिजोल्यूशन है वो लिख दो, मीटिंग कौन सी है वो बता दो, रिजोल्यूशन कौन सा पास करे वो बता दो, यहां पे डेट लिख दो, ये कॉमन पॉइंट है। फिर यहां पे रिजोल्व दैट, ये कैपिटल में आएगा, और रिजोल्व दैट से यहां पे क्या स्टार्ट करोगे, एज पर कंपनीज एक्ट, जो भी करने वाले, जैसे कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट है तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिस्टर ए क्वालिफाइड हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई इज हियर बाय अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इज ड्यूली अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। सो द मीटिंग इज इनिशियल बाय द चेयरमैन, मीटिंग कौन इनिशियल करता है, चेयरमैन, तो मीटिंग इज इनिशियल बाय द चेयरमैन। अब रिजोल्व दैट के बाद में हम क्या करने वाले, ये बता दिया, रिजोल्व फर्दर दैट, ये भी कैपिटल में आएगा, रिजोल्व फर्दर दैट, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना पड़ेगा ना किसी को, तो रिजोल्व फर्दर दैट, अब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ तो MR1 जाता है फॉर्म, MR1 फॉर्म नंबर जाता है ROC को, तो यहां पे रिजोल्व फर्दर डेट में क्या लिखेंगे कि कौन बंदा, तो यहां पे लिख देंगे मिस्टर ए हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज हियर बाय अथोराइज, इज हियर बाय अथोराइज टू फाइल नेसेसरी रिटर्न, टू फाइल नेसेसरी रिटर्न विद द ROC। एक और रिजोल्यूशन ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विद इन द सिटी लोकल लिमिट, यार एक विद इन सिटी है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से कर सकते हो ना, सेम सिटी में अगर आपका चेंज हो रहा है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से कर सकते हो। तो पहले तो क्या लिखोगे, हेडिंग चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन सिटी, ये हेडिंग आ गया। पासिंग अथॉरिटी, इन्होंने सेपरेट सेपरेट लिखा है, हमको कैसे लिखना है मिडल में, हमको कैसा लिखना है मिडल में। यहां पे टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, तो रिजोल्यूशन फॉर चेंज इन, फॉर चेंज इन रजिस्टर ऑफिस विद इन सिटी। फिर टाइप्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग पूरा लिखना है आपको, टाइप्स ऑफ मीटिंग बोर्ड मीटिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड रिजोल्यूशन, डेट। फिर यहां से स्टार्ट करोगे रिजॉल्व दैट, अब रजिस्टर ऑफिस हमारा शिफ्ट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, रिजॉल्व दैट द रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी बी शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब पहले कहां था वो एड्रेस बताओ, टू टू अब कहां पे है वो बताओ, रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट होता है तो हम पहले कहां थे अब कहां है, तो रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी शिफ्टेड फ्रॉम लेट्स से नरीमल पॉइंट मुंबई, एड्रेस दे दो कोई भी एड्रेस दे दो, अपने अपने घर का एड्रेस दे देना और पड़ोसी का एड्रेस दे देना, ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस विद इफेक्ट फ्रॉम ये, किस दिन से, डेट लिख दिया। रिजोल्व फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी बी एंड इज हियर बाय, ये लाइन याद कर लो, बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज टू फाइल, अब कौन सा फॉर्म फाइल करना, INC 22 ROC ROC फॉर्म नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऑथोराइज टू फाइल नेसेसरी फॉर्म या प्रिस्क्राइब फॉर्म टू ROC, डन। इतना सिंपल है रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग, आपको आइडिया आ गया, ओवरऑल आइडिया हो गया, आ गया होगा कि रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग किस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए एक और रिजोल्यूशन मैं देख लेता हूं आपके साथ, ड्राफ्टिंग ऑफ रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस फॉर साइनिंग एनुअल रिटर्न, अब हम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं टू साइन एनुअल रिटर्न, बराबर है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो उस रिजोल्यूशन में उसका सैलरी है ना वो सब लिखना जरूरी होता है। तो अगेन ऊपर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस फॉर साइनिंग एनुअल रिटर्न आ गया, पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी, हम बोर्ड रिजोल्यूशन लिखें तो भी चलेगा, रिजॉल्व दैट श्री NS झाड़, अच्छा ये तो अभी ठीक है, लेट से कोई किसी को बंदा नहीं, मिस्टर एक्स सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस ऑफ डैश डैश बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू साइन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर रिजोल्व फर्दर दैट कि कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज हियर बाय ऑथोराइज टू डू ऑल द नेसेसरी एक्ट,
है ना, उसके अलावा जो भी नेसेसरी एक्ट है उसके लिए आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे। अब देखो ये रिजोल्यूशन हम लोग बात कर लेते हैं, इंटीरियम डिविडेंड है ये, तो बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन तो हो गया। रिजोल्यूशन तो चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, मेन पार्ट समझ में आ गया ना रिजोल्यूशन। हाँ नेक्स्ट वन आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ड्राफ्ट अ रिजोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना इतना आसान है कि क्या बताऊं मैं आपको। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन कौन सा, 102। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या, जब भी आप कोई स्पेशल बिजनेस करना चाहोगे, मतलब अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, जब भी आप कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के कोई बिजनेस करते हो उसको हम बोलते हैं स्पेशल बिजनेस, बराबर है। जब भी आप ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के कोई काम करोगे उसको बोलते हैं स्पेशल बिजनेस, और स्पेशल बिजनेस के साथ हमको क्या देना होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जाता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या, वो काम हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट होगा, ये सब लिखना होता है उसमें। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देखना, सुनना अच्छे से। अब यहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस चीज के लिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स, शेयर होल्डर के राइट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। सो देखना वेरिएशन, अब वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, अब क्या वेरिएशन हो सकता है, अब यहां पे तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है तो हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग उसका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज कर रहे हैं, पहले रेट ऑफ डिविडेंड 10% था, अब हम रेट ऑफ डिविडेंड 15% कर रहे हैं, तो 5% हम डिविडेंड बढ़ा रहे हैं। पहले तो वो बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, 5% डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, हम क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वॉट, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है और उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड का रेट बढ़ा रहे हैं, सो दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी सेटिस्फाइड। इन्होंने क्या अजम्पशन लिया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंप्रूव कैश फ्लो, इंप्रूव्ड कैश फ्लो, इट इज प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इट्स ड्यू डेट। अच्छा इन्होंने क्या अजम्पशन लिया है कि भैया हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर रहे हैं, जल्दी रिडीम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड टू डू डैश डैश टू डैश डैश एट द डिस्काउंटेड रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अदर टर्म्स एंड कंडीशन वुड बी सेम एज स्टिप्युलेटेड एट द, करेक्ट है, मतलब अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। अब मेन चीज क्या लिखना होता है, उस रिजोल्यूशन में कौन कौन इंटरेस्टेड है वो बताना पड़ता है। देखो जब भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखो ना आप, तो सबसे पहले आप क्या क्या करने जा रहे हो वो, और ये क्यों करने जा रहे हो, जैसे आप यहां पे वेरिएशन करने जा रहे हो, ठीक है, क्यों करने जा रहे हो, क्योंकि कैश फ्लो अच्छा है कंपनी के पास, अभी कंपनी के पास क्या है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है। ये बंद हो गया क्या, एक मिनट रुकिएगा, कंपनी के पास क्या है बाबू, कैश फ्लो बहुत अच्छा है इसीलिए कैंसिल किया जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट में चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके बड़ी, एक मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। यस बेटा अपन कहाँ पे थे यार, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में थे, करेक्ट, थोड़ा बीच में बंद हो गया था, करेक्ट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे थे। चलिए देखो, ड्राफ्ट अ रिजोल्यूशन अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जल्दी से देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है, अगर आपको किसको रिमूव करना है बेटा, डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लिखोगे। सी यार, डायरेक्टर को रिमूव करना है, अगेन अगेन सेक्शन कौन सा, 169 है, सेक्शन कौन सा है दोस्तों, 169 है। अब डायरेक्टर को रिमूव करना है तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पहले तो हम क्या कर रहे हैं वो लिखना है, दूसरा हम लोग उसको क्यों रिमूव कर रहे हैं वो हम लिखना है, तीसरा हम लोग उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन कौन डायरेक्टर उस रिजोल्यूशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं कर पाएंगे, बराबर है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट द कंपनी हैज रिसीव्ड अ स्पेशल नोटिस। अब देखो डायरेक्टर को रिमूव करना है तो स्पेशल नोटिस आनी चाहिए, तो आप लिख देंगे कि कंपनी के स्पेशल नोटिस मिली है, ठीक है, एज पर सेक्शन 169 फ्रॉम मेंबर होल्डिंग 25 इक्विटी 25% शेयर्स,
company proposing for resolution of removal of Mr. Dash Dash from the office of director of the company. The company has also communicated the above said notice to Mr. Ye. Your director submitted the above said resolution for consideration and do not purport to support the same. All the relevant documents are being placed at register office of the company for inspection. Except Mr. Dash, none of the director and KMP of the company and relative are concerned or interested in the resolution. तो मतलब explanatory statement में क्या लिखोगे? पहले तो हम क्या करने वाले थे? वो अभी removal of director था. तो हमने क्या बोला कि भैया हमको special notice मिली और उस special notice को ध्यान में रखते हुए हमने भी उस director को concerned director को intimate कर दिया है कि yes or no concerned director को हमने क्या कर दिया? Intimate कर दिया. वो point लिख दोगे. तीसरा point क्या लिखोगे कि भैया इसके अंदर कौन-कौन interested है? किसको निकाल रहे हैं और कौन-कौन interested है? वो लिख दोगे. That's it. अब यहाँ पे voluntary binding कब का draft resolution explanatory statement है. तो अगेन यहाँ पे द कंपनी हैज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. इनिशियली द बिजनेस ऑफ द कंपनी वर क्वाइट रेम्यूनरेटिव एंड अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट बट एज अ मेंबर आर अवेयर ऑफ द कंपनी इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर द लास्ट थ्री इयर्स. अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब मेंबर खुद होकर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप या कंपनी खुद होकर क्या कर रही है? एप्लीकेशन दे रही है. तो उसमें आपको बताना कि पिछले दो तीन साल से क्या नहीं हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस लॉसेस में है. सो बेटर है कि उसको क्या कर दीजिएगा? वाइंडिंग अप कर दीजिएगा. एंड ये लिखना जरूरी है, नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द रिलेटिव आर इंटरेस्टेड. कोई डायरेक्टर उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है. तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिएगा कि आप हमेशा जब भी आप लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये रेजोल्यूशन के साथ जा रहा है, बराबर. रेजोल्यूशन के साथ आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हो, क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये तीन चीज लिखना है. ड्राफ्ट एंड नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो यहां पे कंपनी का नाम लिखना बहुत जरूरी है. अच्छा, ये हम मिडल में लिखेंगे, सुंदरम केमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम हम मिडल में लिखेंगे. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग ध्यान से सुनना, नाम बीच में लिख दोगे, ठीक है. रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिख दोगे, नाम के नीचे उसका एड्रेस लिख दोगे. राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिन नंबर लिख दोगे, है ना, सिन नंबर लिख दोगे, ईमेल आईडी वगैरह लिख दोगे, ठीक है. ईमेल आईडी सिन नंबर लिखोगे लेफ्ट साइड में. नोटिस जब भी होगा सेंटर में बीच में कंपनी का नाम आएगा, जैसे लेट से एक्स वाई जेड लिमिटेड और इसके नीचे एड्रेस आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में सिन नंबर आ जाएगा बेटा, है ना, कंपनी का वेबसाइट होगा तो वेबसाइट, ईमेल आईडी आ जाएगा कंपनी का. अब हम नोटिस दे रहे हैं तो नोटिस इज समथिंग जिसको हम लेटर लिखते हैं ना, लेटर वैसे है. तो डियर सर, नोटिस हम किसको दे रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रहे हैं. तो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस जाएगी. तो डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन डेस्क. अब मीटिंग का नोटिस है, कौन से दिन होगा, कौन से टाइम पे होगा, कौन से प्लेस पे होगा, क्या बिजनेस करने वाले हैं, चारों लिख देना है. नोटिस के अंदर हमको इन्फॉर्म करना है ना भैया हम कब बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन. सो आई एम डायरेक्टेड, यहाँ पे जो बंदा लिख रहा है ना, नोटिस जो लिख रहा है ना, उसको डायरेक्ट किया गया. आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन मंडे, है ना, विल बी हेल्ड ऑन लेट्स से 10th ऑफ जनवरी मंडे एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एट 10 AM टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस सेट आउट इन द एजेंडा. You are requested to make it convenient to attend the board meeting. अगर general meeting होगा तो you are requested to attend the general meeting. You are faithfully company secretary. That's it. That's it. But बस यहाँ पे नाम आपको बीच में लिखना है कंपनी का, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो एक और ड्राफ्ट नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का नोटिस है तो सिंपल है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस बहुत सिंपल है यार, ठीक है. नोटिस इज हियर बाय गिवन टू दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एट द टाइम प्लेस डेट लिख देना, ठीक है. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग. ये सेंटेंस याद कर लो, बोर्ड मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करें, कन्वीनियंट मतलब आप मीटिंग को अटेंड करिएगा, आप मीटिंग को अटेंड करिएगा. तो दिस इज द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. वैसे नोटिस ऑफ AGM आ जाएगा, AGM का नोटिस भी वही, कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस. नोटिस का फॉर्मेट याद रख लेना बेटा, नोटिस का फॉर्मेट याद कर लो. नोटिस का फॉर्मेट क्या कर लो, याद कर लो. जैसे आपने एजेंडा का फॉर्मेट देखा है तो फॉर्मेट याद कर लो, अंदर का कंटेंट तो आपको वही लिखना है जो हमको पूछा गया है, ठीक है. सो यहां पे नोटिस ऑफ द कंपनी, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट 6th एनुअल जनरल मीटिंग. देखो देखो, नोटिस हमेशा डेटेड होता है, कौन सी नंबर है ना, नोटिस का नंबर देना है, सॉरी मीटिंग का नंबर देना है कि कौन सी मीटिंग है. 6th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द ABC लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन ट्यूजडे थर्सडे 18 जुलाई एट 11 PM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस. चार ऑर्डिनरी बिजनेस लिख देना पहले तो. देखो, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, टू डिक्लेयर डिविडेंड, इतना इतना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर एंड टू अपॉइंट अ ऑडिटर. चार काम लिख देना, डेटेड रजिस्टर ऑफिस, दैट्स इट. जनरल मीटिंग का नोटिस, ठीक है. जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर मीटिंग नोटिस बहुत सिंपल है, क्यों, उसके अंदर क्या लिखना है, कौन से दिन है, कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे है, डे डेट टाइम प्लेस वो लिख देना है. नीचे कौन से काम हम लोग करने वाले हैं, तो ऑर्डिनरी बिजनेस चारों लिख देना, उसके अलावा एक बायबैक लिख देना, याद कर लेना पांच छह काम, उसके अलावा एक बायबैक लिख देना, ठीक है. लेट्स से एक स्वेट इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स लिख देना, ऐसे छह काम लिख देना नोटिस के अंदर. नीचे बाय ऑर्डर फॉर ABC लिमिटेड, बाय ऑर्डर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स इट.
बस खत्म, चलिए डन क्या। सो दिस नोटिस बहुत सिंपल है। अब ड्राफ्ट न्यूज़पेपर नोटिस फॉर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करते हैं तो उसका नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो वही कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर ऑफिस, नोटिस क्या है, पर्सुएंट टू सेक्शन 91 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेबल क्लॉज, द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम दिस दिन से लेके उस दिन, इस दिन से इस दिन लेके क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। वो इतना ये नहीं है। अब आपको नोटिस के बाद एक मिनट्स ड्राफ्टिंग लिख देते हैं, मिनट्स ड्राफ्टिंग। देखो मिनट्स ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मिनट्स के अंदर ये लिखना है कि मिनट्स मतलब क्या होता है, प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग में जो हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। तो मिनट्स हम लोग पास सेंटेंस में लिखेंगे, क्यों पास सेंटेंस में लिखेंगे, पास टेंस में क्यों लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है उसका समरी हम लोग लिख रहे हैं, तो ये पास्ट में होगा। द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द, देखो मिनट्स के अंदर कंपनी का नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो मिनट बुक में लिखा जाता है, तो कंपनी का डिटेल आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस लिमिटेड हेल्ड ऑन, मीटिंग कब हुई, हेल्ड हो चुकी है 11 बजे, 1:30 बजे एंड कंडक्टेड एट 1:30, मतलब 11 बजे थी, 1:30 बजे खत्म हो चुकी है, ये दिन पे ये टाइम पे हो चुका है। कौन प्रेजेंट था, तो ये लोग प्रेजेंट थे, मिस्टर ए चेयरमैन था, बी डायरेक्टर, सी, ये लोग तीन लोग प्रेजेंट थे और मिस्टर एफ जनरल मैनेजर प्रेजेंट थे। अब मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन लिख लीजिएगा। मिनट्स देखो, मिनट्स तो बहुत बड़ा है, आएगा तो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा पूछेगा नहीं, इतना बड़ा आपको आने वाला नहीं है। अगर आया भी, अगर 4 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन आए तो शॉर्ट में आपको मिनट्स लिखने हैं। तो मिनट्स में, मिनट्स हमेशा पास, मतलब आप क्या करोगे, पास टेंस में लिखोगे। सो मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ डैश डैश कंपनी लिमिटेड, मतलब मीटिंग हो चुकी है, अब हम लोग लिख रहे हैं, स्टोरी इज लाइक अ स्टोरी, हो चुका काम हम लोग लिख रहे हैं, है ना, वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है, मीटिंग हो चुकी है। तो पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे कि कंपनी, मतलब फर्स्ट मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इस दिन लिया था हमने, इस दिन स्टार्ट किया था, ये टाइम पे स्टार्ट किया था, ये टाइम पे खत्म कर दिया, ये लोग प्रेजेंट थे, ये लोग प्रेजेंट थे और ये काम उधर हुआ है। जैसे सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इजी लिख लो, दो तीन काम याद कर लो। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन हमने मिस्टर आर को यूनानिमसली अपॉइंट कर लिया चेयरमैन। रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू आर्टिकल 55 मिस्टर आर बी इज हियर बाय अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन को हमने अपॉइंट कर दिया, आर्टिकल है आर्टिकल 55, अगर याद नहीं है तो सिंपल लिख लो। रिजॉल्व दैट मिस्टर आर बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, तो पहला काम लिया उसका रिजोल्यूशन लिख दिया नीचे कि रिजोल्यूशन पास हो चुका है। दूसरा काम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है कोई भी दो तीन काम याद कर लेना, चलो फर्स्ट डायरेक्टर लिख लीजिएगा या फिर रजिस्टर ऑफिस लिख लीजिएगा, रजिस्टर ऑफिस। सो इट मे बी नोटेड दैट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी डैश डैश एट इस प्लेस पे होगा, द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन ऑलरेडी गिवन इन फॉर्म नंबर INC 22 टू ROC, ठीक है। दूसरा काम ये कर लिया, फिर लेट्स अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील एंड लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स लिखना है कि द मीटिंग एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन का मिनट्स कौन साइन करता है, चेयरमैन, तो चेयरमैन का साइन आएगा, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, इस तरीके से लिखना है। तो मेन क्या क्या पूछ सकता है, देखो अगर एजेंडा पूछा है तो एजेंडा मतलब क्या है, नोटिस के साथ एजेंडा जाता है, तो एजेंडा में हम क्या क्या काम करने वाले हैं, दिस इज व्हाट एजेंडा। मिनट्स मतलब ये काम हो चुके हैं, हमेशा पास सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। सो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने एक क्रक्स दे दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है, और ये एक्चुअली टेक्स्टमैन के पीछे ही है आपके सारे राइटिंग वाला पार्ट, तो आप उसको एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। छोड़ के नहीं आना, देखो कोई भी चीज आवे ना ड्राफ्टिंग का, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कंटेंट तो हमको पता है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनल में था ना ड्राफ्टिंग का, 20 मार्क्स का एक रिट पिटीशन लिखने को आ गया था, जो हमने प्रैक्टिस की नहीं थी, हमने देखा ही नहीं था कभी कि रिट पिटीशन आएगा, का रिट पिटीशन ड्राफ्ट करने को आ गया, बट हमको रिट पिटीशन होती क्या ये तो पता है ना, तो उसके हिसाब से उसको आपको क्या करना, लिख के आना। जैसे अगर नोटिस पूछे तो नोटिस क्या होती है, भैया इस दिन मीटिंग है तो आपको आना, तो डे डेट टाइम प्लेस, है ना, ये काम हम लोग करने वाले हैं, उतना लिख के आना, फॉर्मेट थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन छोड़ना नहीं है। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। डू वेल इन द एग्जाम, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट डू इट, लव यू गाइस।